Hello to everyone. In this video, we are going to discuss about the self-critical understanding of the basic reality of the Mainmet division over the time scale. पहला लाइन ये लिखा हुआ है कि एवरीवेयर वी सी पीपल ट्राई टू डिवाइड देमसेल्फ फॉर सम रीजन और अदर. कहीं भी चले जाओ पीपल ट्राई करते हैं कि अपने आप को छोटे छोटे ग्रुप पे डिवाइड कर दे फॉर सम रीजन और अदर. पीपल ट्राई टू मेक यूनिक ग्रुप फॉर देमसेल्फ एंड ऑर्गेनाइज देयर इंटरेस्ट. पीपल लोग ये ट्राई करते हैं कि उनका एक सेपरेट ग्रुप हो और वो लोग जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनका ग्रुप एक यूनिक हो, उनके ग्रुप में यूनिक कैरेक्टर हो, उनका इंटरेस्ट एक ऑर्गेनाइज हो. ओके देन है समटाइम दिस डिवीजन मेक द गैप वाइडर. कभी कभार ये होता है कि ये हम लोग जो डिवीजन बना दिए हैं वो बहुत ही गैप पैदा कर देता है. जैसे हम लोग धर्म के मामले पे हम लोग पीपल को डिवाइड कर दिया, जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन हो गया. तो कभी कभार क्या होता है, ये हम लोग जो ग्रुप बना देते हैं वो हमारे अपने ही आपके लोगों में एक बहुत ही बड़ा गैप पैदा कर देता है. जैसे हिंदू लोग ये सोचते हैं कि मुस्लिम वालों से तुम्हारा कोई लेना देना हमसे नहीं है, तुम अपने हिसाब से रहो, हम लोग अपने हिसाब से रहेंगे. फिर मुस्लिम लोगों का फिर कैरेक्टर फिर हिंदू के प्रति और क्रिश्चियन के प्रति थोड़ा डिफरेंट होता है. और जब से ये हम लोग अपना डिवीजन जो स्टार्ट किया ना, तब से ये हो रहा है कि एक पीपल का लड़का, मतलब एक ग्रुप का लड़का दूसरे ग्रुप के लड़के या लड़की से उनका थोड़ा दूसरा ही व्यवहार रहता है, उनके साथ उनका थोड़ा दूसरा ही थॉट होता है उनके प्रति. ओके और ये जब से हम लोग डिवीजन स्टार्ट किए हैं ना, ये तब से ही ऐसा हुआ है. सिंस द डाउन ऑफ टाइम पीपल हैव थॉट डिफरेंटली, एक्टेड डिफरेंटली एंड फियर डिफरेंटली फ्रॉम ईच अदर. मतलब यहीं पे ये बोल रहा है कि जब से हम लोग ये डिवीजन स्टार्ट कर दिए हैं तो तब से क्या हुआ है, एक ग्रुप का लड़का या लड़की दूसरे ग्रुप के लड़का लड़की के साथ उनका थोड़ा दूसरा ही उनका थोड़ा व्यवहार होता है, एक्टेड डिफरेंटली एंड फियर डिफरेंटली फ्रॉम ईच अदर. देन है अदर पॉइंटेड टू द स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस इन पीपल बैकग्राउंड एक्सपीरियंसेस ट्रेनिंग और वेज ऑफ लर्निंग. और भी कई सारे पॉइंट हैं जो ये डिवीजन कर देते हैं और एक स्ट्रॉन्ग डिफरेंस पैदा करते हैं. वो है पीपल का बैकग्राउंड एक्सपीरियंस ट्रेनिंग और वेज ऑफ लर्निंग. जैसे गरीब और अमीर, मतलब तुम हमसे बहुत डिफरेंट हो. मतलब यहीं पर हम लोग क्या पीपल के बैकग्राउंड के अनुसार हम लोग पीपल लोगों को डिवाइड कर दे रहे हैं. ओके देन है इफ यू मॉडर्न फिलोसोफर एसर्ट दैट एन इंडिविजुअल इंटेलिजेंस इज अ फिक्स क्वांटिटी, ए क्वांटिटी विच कैन नॉट बी इंक्रीज, वी मस्ट प्रोटेस्ट एंड रिएक्ट अगेंस्ट द ब्रूटल पेसिज्म. यहीं पे ये बोला है कि कुछ मॉडर्न फिलोसोफर है वो लोग ये बोले हैं कि एक इंडिविजुअल का जो इंटेलिजेंस होता है वो फिक्स होता है, वो कभी इंक्रीज नहीं हो सकता है. मतलब भगवान ने जितना दे के आपको पैदा किए हैं आप उतना ही रहोगे, आप अपने इंटेलिजेंस को कभी नहीं बढ़ा सकते. पर ये पूरा गलत चीज़ है. अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ट्रेनिंग लोगे, तो आप अपने इंटेलिजेंस पावर को बढ़ा सकते हो. ओके वो आपकी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस पे है कि आप कितना प्रैक्टिस किए हो, कितना ट्रेनिंग लिए हो. अगर आप ठीक से प्रैक्टिस करोगे, ठीक से ट्रेनिंग लोगे, तो आप अपने इंटेलिजेंस पावर को बढ़ा सकते हो. ओके देन है एट द सेम टाइम साइंटिस्ट आर लर्निंग दैट पीपल हैव मोर कैपेसिटी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड ब्रेन डेवलपमेंट. उसी टाइम साइंटिस्ट लोग ये भी बोले हैं कि जो एक इंडिविजुअल का जो दिमाग होता है वो कभी भी लिमिट नहीं होता है, वो लाइफ लॉन्ग लर्न कर सकता है. जैसे हमारे फ़ोन होता है, एक मेमोरी कार्ड होता है, अगर उतना मेमोरी कार्ड अगर फुल हो गया तो उससे ज़्यादा हम लोग नहीं रख सकते. पर एक ह्यूमन का दिमाग ऐसा नहीं है, आप कितना भी सीखो वो अभी मतलब वो कभी भी आपको फुल स्टोरेज नहीं बताएगा, पूरा लाइफ लॉन्ग आप लर्न कर सकते हो. देन दे एवर थॉट ऑफ कोर्स ईच पर्सन हैज़ ए यूनिक जेनेटिक एंडोमेंट. इसका मतलब ये है कि सभी का एक एक दूसरा जेनेटिक कैरेक्टर होता है. मतलब कोई बचपन से ही बहुत ही दिमागी होता है, कोई बचपन से थोड़े मतलब वीक टाइप के होते हैं पढ़ाई पे, उनका थोड़ा इंटेलिजेंस कम होता है. पर अगर आप ठीक से प्रैक्टिस करोगे, ठीक से ट्रेनिंग लोगे, ठीक से पढ़ोगे, तो आप अपने इंटेलिजेंस पावर को बढ़ा सकते हो. ओके देन है दिस डिवीजन स्टेम फ्रॉम रेस, कल्चर, रिलीजन, जेंडर, इकोनॉमिक कंडीशन, एजुकेशन, सोशल सिस्टम. ये जो हम लोग पीपल लोगों को जो डिवाइड कर दे रहे हैं ना, वो बहुत के बेसिस पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं. जैसे कलर हो गया, कल्चर हो गया, रिलीजन हो गया, जेंडर हो गया, हम लोग इनके बेसिस पे ही हम लोगों को डिवाइड कर दे रहे हैं. जैसे लड़का हो तुम, हम लड़की हैं, तुम ये हो, मतलब हम लोग इस बेसिस के, रेस, कल्चर, रिलीजन के बेसिस पे हम लोग ये सारे डिवाइड कर दे रहे हैं. यहीं पे इसीलिए लिखा हुआ है दिस डिवीजन स्टेम. स्टेम मतलब वहीं से ही अराइज हुआ है. जैसे आपका प्लांट होता है, ये आपका स्टेम कहलाया जाता है. यहीं से ही आपका ब्रांच स्टार्ट होता है. मतलब ये जो स्टेम है, ये स्टेम ही कल्चर है, रेस है, रिलीजन है, और यहीं से ही हम लोग पीपल को ऐसे ऐसे हम लोग डिवाइड कर दिए हैं. ओके देन है दिस टू बी अंडरस्टूड क्रिटिकली एंड कॉशियसली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ इन रिलेशन टू हिज वर्ल्ड ऑफ लिविंग. अगर किसी को समझना है, ये कल्चरल डिफरेंस को समझना है, या फिर ये जो पीपल का जो डिवीजन है इसको अगर आपको समझना है, तो आपको ये सारा चीज़ समझना होगा कि ऐसा कल्चर होता है जिसके बेसिस पे हम लोग पीपल को डिवाइड कर सकते हैं. ये सारे चीज़ों को आपको समझना होगा, तभी आप एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ, मतलब आप किसी को समझ सकते हो इन रिलेशन टू हिज वर्ल्ड. मतलब वो उसके वर्ल्ड पे क्या है. जैसे हिंदुओं को, मतलब ये एक हिंदू है, मतलब अगर हमको अगर समझ में ये आया होगा कि नहीं ऐसा कुछ धर्म नाम का भी कोई चीज़ है, तभी हम लोग किसी को समझ पाएंगे इन रिलेशन टू हिज वर्ल्ड. ओके देन है एरियाज वेयर मेनमेट डिवीजन प्रिवेल.
फर्स्ट, आपका रेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग. रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ह्यूमन बींग के लाइफ पे. सो वट डज रेस मीन? रेस का मतलब क्या है? रेस का मतलब होता है बींग पार्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर आइडेंटिफाइड बाय देयर रेस, कलर, नेशनलिटी, सिटीजनशिप और एथनिक और नेशनल ऑरिजिन. रेस का मतलब होता है वो ग्रुप ऑफ पीपल जो अपने आप पे किस तरह से आइडेंटिफाई होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, नेशनलिटी, सिटीजनशिप. जैसे अफ्रीका के लोगों को बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत ही डार्क कलर का स्किन होता है. मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर हम लोग उनको डिवाइड कर दे रहे हैं कि तुम लोग काले हो, तुम्हारा कलर थोड़ा डार्क है. जो गोरे होते हैं, जो ब्रिटिश पर्सन होते हैं, उनको हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर हम लोग उनको बोलते हैं तुम लोग गोरे लोग हो. तो यहीं पे क्या कर रहे हैं, हम लोग पीपल को डिवाइड कर दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, नेशनलिटी, सिटीजनशिप और एथनिक और नेशनल ऑरिजिन. ओके, इसी को ही हम लोग रेस कहते हैं. सो इफ़ यू आर पार्ट ऑफ वन ऑफ दिस ग्रुप्स एंड यू एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन, दिस काउंट एज रेस डिस्क्रिमिनेशन. अगर आप भी उसी ग्रुप का कोई हिस्सा हो और आपको कोई बोल रहा है कि तुम ऐसे हो, तो इसका मतलब है रेस डिस्क्रिमिनेशन. जैसे कोई अफ्रीका के कोई लड़का या लड़की को मैं बोली कि तुम्हारा कलर बहुत ही डार्क है, उसका मतलब मैं क्या, मैं दूसरों से उसको मैं डिवाइड कर दे रही हूँ कि तुम्हारा कलर काला है. मतलब यहीं पे मैं डिवाइड कर दे रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर. इसको मैं कहूँगी रेस डिस्क्रिमिनेशन. ओके, समझ में शायद आ रहा होगा. इफ़ यू आर पार्ट ऑफ वन ऑफ दिस ग्रुप्स एंड यू एक्सपीरियंस, अगर आपको ये लगा कि कोई आपको डिवाइड कर दे रहा है, कोई आपको बोल रहा है कि नहीं तुम दूसरे हो दूसरे ग्रुप से, इसका मतलब है रेस डिस्क्रिमिनेशन. ओके, इवन इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ वन ऑफ दिस ग्रुप, इट स्टिल काउंट एज डिस्क्रिमिनेशन इफ समवन डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट यू बिकॉज दे थिंक यू आर. अगर आप उस ग्रुप का हिस्सा नहीं भी हो, फिर भी अगर आपको कोई बोला कि तुम थोड़े दूसरे हो उससे, तभी भी हम लोग उसे कहेंगे रेस डिस्क्रिमिनेशन. पर उस टाइम हम लोग उसे कहेंगे परसिव रेस डिस्क्रिमिनेशन. जैसे कोई अफ्रीका का है और कोई इंडिया का है, इंडिया का कलर ना ही पूरा गोरा होता है ना ही पूरा काला होता है, वो थोड़ा मीडियम टाइप का होता है. अगर मैं एक इंडिया के लड़के को बोली, या लड़की, लड़की या लड़के कुछ भी हो सकता है, अगर मैं किसी को बोली कि तुम लोग अफ्रीका से थोड़े डिफरेंट हो, तुम्हारा कलर अफ्रीका के कलर से बहुत ही डिफरेंट है, इसका मतलब क्या, इंडिया वाला अभी अफ्रीका का मतलब ग्रुप पे नहीं बिलोंग करता, पर फिर भी मैं उसको मैं डिस्क्रिमिनेट कर दे रही हूँ, मतलब उसको डिफरेंट कर दे रही हूँ, इसको मैं बोलूँ कि परसिव रेस डिस्क्रिमिनेशन. ओके, जब हम लोग उसी ग्रुप के नहीं होते हैं पर फिर भी हमको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं परसिव रेस डिस्क्रिमिनेशन. और जब हम लोग उसी ग्रुप पे होते हैं और हमको कोई डिस्क्रिमिनेट करता है, उसे हम लोग कहते हैं रेस डिस्क्रिमिनेशन. ओके, देन है इट इज आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रोल दैट रेस प्ले इन यूनाइटिंग पीपल. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि समझना कि जो रेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन यूनाइटिंग पीपल. यूनाइटिंग पीपल का मतलब होता है एकता प्रदान करना. जैसे है आपका जो मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है, अगर आप इंडिया के हो तो आप ये सोचते हो कि इंडिया वाला ही जीत जाए, कोई ये नहीं सोचता कि पाकिस्तान जीत जाए या श्रीलंका जीत जाए. मतलब ये हम लोग जो नेशन के अकॉर्डिंग जो हम लोग डिवाइड करते हैं कि तुम इंडिया हो, तुम पाकिस्तान हो, तुम श्रीलंका हो, तो ये जो हम लोग ग्रुप पे जो डिवाइड कर दिए हैं, ये कभी कभार बहुत ही एकता भी प्रदान करते हैं. मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग जिस ग्रुप से मतलब बिलोंग करते हैं, ये हम सब एक ही हैं. मतलब उनको एक अपनापन टाइप का लगता है. मतलब इंडिया का कोई बाहर खेलने जब जाता है, हमको पहचाने या ना पहचाने वो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमको ये लगता है कि ये हमारा इंडिया का है तो इसी को ही जीतना चाहिए, इसी को ही प्राइज मिलना चाहिए. तो ये हम लोग जो ग्रुप पे जो डिवाइड कर दिए हैं, ये हमको एकता भी प्रदान करता है. कम्युनिटी बिल्ट अराउंड रेसियल आइडेंटिटी कैन ऑफर इंटरनल सोर्सेस ऑफ स्ट्रेंथ. जो हम लोग जो छोटे छोटे ग्रुप पे जो हम लोग पीपल लोगों को जो डिवाइड कर दिए हैं, और उससे जो एक कम्युनिटी जो बना है, ये एक इंटरनल सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ भी हमें पैदा करता है. मतलब ऐसा लगता है कि हम सब एक है, मतलब हम में एक अपनापन है. तो ये सारा कोई जो डिफरेंस जो बना दिया है, ये जो छोटा छोटा जो हम लोग पीपल लोगों को जो ग्रुप पे जो डिवाइड कर दिया है, ये इसी के वजह से ही हुआ है. देन है इट इज़ नेसेसरी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है समझो, इट इज़ नेसेसरी टू, ये वाला लाइन पूरा लिखना जैसा है पूरा एज इट इज लिख लेना इसको रट के. इट इज़ नेसेसरी टू सेंसिटाइज स्टूडेंट ऑन द इम्प्लीकेशन ऑफ डिसीजन मेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस बाय कोरिलेटिंग द आइडिया अबाउट रेसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन. ये एक बहुत ही नेसेसरी हो गया है कि हम लोग बच्चों को ये समझाएं. सेंसिटाइज का मतलब होता है अवगत कराएं. ओके, मतलब उनको बताएं कि ऐसा वर्ल्ड पे ऐसा डिफरेंस है, मतलब कल्चरल डिफरेंस है, और आपको ये कल्चरल डिफरेंस समझना होगा कि हम लोग दूसरों से कैसे डिफरेंट है. ये हमको बच्चों को समझाना होगा कि इंडिया के लोग ऐसे होते हैं, चाइना के लोग ऐसे होते हैं, जापान के लोग ऐसे होते हैं, इंडिया पे भी बहुत सारे कल्चर हैं. जैसे इंडिया पे भी हम लोग बहुत सारे धर्म पे ऐसे बांटते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, ये सारी चीज़ें हमको बच्चों को सिखाना होगा. मतलब उनको सेंसिटाइज करवाना पड़ेगा ताकि वो लोग अपना जो एनवायरमेंट है, जो दूसरे लोग हैं, उनको समझ पाए. देन है कल्चर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल डिफाइंड बाय एवरीथिंग फ्रॉम लैंग्वेज, रिलीजन, क्यूजिन, सोशल हैबिट, म्यूजिक एंड आर्ट.
देखो कल्चर के बारे में ऑलरेडी हम लोग बहुत ही अच्छे तरह से डिस्कस कर चुके हैं, यहीं पे बस एक छोटा सा पॉइंट है। कल्चर का मतलब होता है एक एक सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग अ सर्टन बिलीफ, अ सर्टन बिहेवियर। ओके, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल का उनका जो एक अलग ही एक बिलीफ होता है, उनका जो एक अलग ही व्यवहार होता है, उसे हम लोग कहते हैं कल्चर। जैसे हिंदू कल्चर, उनका एक दूसरा ही व्यवहार होता है, उनका एक दूसरा ही लैंग्वेज होता है, उनका एक दूसरा ही क्यूजिन, मतलब उनका एक दूसरा ही खाना होता है, उनका खाना बनाने का तरीका एक अलग होता है, उसे हम लोग कहते हैं कल्चर। कि तुम दूसरे कल्चर के हो, हम लोग एक दूसरे कल्चर के हैं। ओके, देन है देखो यहीं पे, द वर्ड कल्चर डिराइव्स फ्रॉम ए फ्रेंच टर्म विच इन टर्न डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन कोलेरी विच मीन्स टू टेंड टू द अर्थ एंड ग्रो और कल्टिवेशन एंड नर्चर। ये आपको पॉइंट आपको रट के जाना है कि ये कौन से वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड कोलेरी। देन है ये पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट कल्चर ऑफर डिफरेंट परसेप्शन टू इंडिविजुअल एंड वन मस्ट बी सेंसिटिव टू द कल्चरल वेरिएशन इन द वर्ल्ड। देखो हमारे जो वर्ल्ड है वहीं पे बहुत सारे कल्चर हैं, और ये हमको और ये जो कल्चर का जो डिफरेंस है, ये क्या क्या ऑफर करता है, डिफरेंट परसेप्शन टू इंडिविजुअल। मतलब हर एक का जो दुनिया जो देखने का जो नज़रिया है वो अलग अलग कर देता है। जैसे आप इंडिया का देखने का नज़रिया अलग होता है, आप चाइना पे चले जाओ, उनको मतलब उनके लोगों से अगर पूछोगे कि दुनिया क्या है, तो उनका दुनिया देखने का एक नज़रिया अलग होगा। तो ये सारा कल्चर ही हमको ऑफर करता है, मतलब सभी का एक डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शन होता है। एंड वन मस्ट बी सेंसिटिव टू द कल्चरल वेरिएशन इन द वर्ल्ड। सेंसिटिव का मतलब होता है उनको मतलब ये समझना चाहिए, मतलब ये अवगत होना चाहिए कि देयर इज अ कल्चरल डिफरेंस इन द वर्ल्ड। ओके, इफ स्टूडेंट आर सेंसिटाइज टू द वेरिएशन, अगर हम लोग बच्चों को ये सेंसिटाइज करवा दें, मतलब उनको बता पाएँ या समझा पाएँ कि देखो हमारे वर्ल्ड पे ऐसे ही कल्चरल डिफरेंस है और आप भी दूसरे हो दूसरे लोगों से, अगर हम लोग ये चीज़ अगर हम उनको अगर समझा पाएँ, दे बिगन टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ, वो लोग अपने आप को भी समझ पाएंगे कि वो लोग क्या हैं। ओके, एंड वर्ल्ड अराउंड देम मीनिंगफुली, और उनके जो अराउंड जो वर्ल्ड है उसको भी समझ पाएंगे कि मैं क्या हूँ और दूसरे लोग क्या है। तो ये हमको सिखाना ही पड़ेगा बच्चों को कि देयर इज अ कल्चरल डिफरेंस इन द वर्ल्ड। और ये देखो हमको ये तो नहीं होना चाहिए कि कल्चरल डिफरेंस नहीं होना चाहिए, हमको उल्टा बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि हम सब एक ही हैं, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। पर एक दुनिया मतलब आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ पे अगर चले आओगे तो हमको बच्चों को ये सिखाना ही होगा कि देयर इज अ कल्चरल डिफरेंस इन द वर्ल्ड। देन है रिलीजन आर फाउंड एट द हार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड इवॉल्व विद इन दो सोसाइटी। रिलीजन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब इससे हम लोग बहुत ही बोलते हैं तुम दूसरे धर्म के हो, हम लोग दूसरे धर्म के हैं, मतलब यहीं से सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना, हम लोग इसी से ही बनाते हैं। देन है देखो ये वाला एक गाइड का था, मैं यहीं से ली हूँ, यहीं पर ये बोला है कि मेन मैन डिविजन एरियाज जेंडर, मतलब हम लोग जेंडर पर भी लोगों को हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। और ये क्या है, मेन मैन डिवीजन, मतलब ये कोई पहले से ही कोई नहीं बनाया हुआ। देखो बायोलॉजिकली तो एक डिफरेंस है एक मेल में और एक फीमेल पे, पर हम लोग ऐसे बहुत ही मतलब वाहियात भी ऐसे बहुत सारे डिवीजन ऐसे बना दिए हैं, जैसे लड़कियां ये नहीं कर सकती, सिर्फ लड़के ये कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मतलब वाहियात डिवीजन भी हम लोग ये मतलब ये लोग ही बनाए हैं, तो इसीलिए इसको ये बोला है कि मेन मैन डिवीजन। बायोलॉजिकल तो बहुत डिफरेंस है, पर कुछ कुछ वाहियात डिवीजन भी हम लोग ही बनाए हैं, इसीलिए उसको कहा गया है मेन मैन डिवीजन एरियाज जेंडर। तो यहीं पे जेंडर को ज़्यादा फोकस किया गया है। ऑल द कल्चर, आप कहीं पे भी चले जाओ इन द वर्ल्ड, ऑल द कल्चर इन द वर्ल्ड प्रेजेंट जेंडर स्टीरियोटाइप, मतलब दुनिया पे आप किसी भी कोने पे चले जाओ और सभी पे मतलब सभी कल्चर पे एक जेंडर स्टीरियोटाइप है, मतलब एक जेंडर डिफरेंस है कि तुम लड़का हो तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकते तुम वो नहीं कर सकते। और बहुत सारे ऐसे मतलब गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे स्टेप भी ले चुके हैं इन दोनों को ये हटवाने के लिए, मतलब ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, पर आज तक ये ठीक नहीं हुआ है। मतलब अभी भी ये सारा चीज़ है कि तुम लड़का हो तुम लड़की हो, पर इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारा स्टेप ले चुके हैं टू पुट एन एंड टू द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये जो जेंडर जो डिस्क्रिमिनेट हो रहा है इसको एंड करवाने के लिए बहुत सारे लीगल या लेजिस्लेटिव ऐसे स्टेप लिया जा चुका है। इट इज़ एसेंशियल टू मेंटेन अ गुड रिलेशन एट होम एट वर्क प्लेस एंड इन द सोसाइटी, वन हैज़ टू लर्न द अप्रिशिएट द वेरिएशन एंड डिफरेंसेस अमंग मेन एंड वुमेन एंड टू बी सेंसिटिव टू सच वेरिएशन। तो देखो ये हमको एक मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए एक डिफरेंस है कि तुम लड़का हो तुम लड़की हो तुम ये कर सकते हो, पर हम लोग उसको बहुत ही गंदी नज़र से उसको देख रहे हैं। तो ये जो वेरिएशन है उसको हम लोगों को बहुत ही पॉजिटिवली लेना चाहिए कि हाँ तुम लड़की हो तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे में भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। देखो हर एक ग्रुप का एक एडवांटेजेस है और हर एक ग्रुप का एक डिसएडवांटेजेस भी है, और वो जो एडवांटेजेस से हमको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसको गंदी नज़र या नेगेटिविटी से देखना चाहिए। सो वी मस्ट अप्रिशिएट आवर वेरिएशन, ना कि उसको नेगेटिवली लें।
सच एन एटीट्यूड पुट एन एंड टू मैनी एविल हरसमेंट एंड जेंडर बेस्ड प्रेजुडाइज। अगर हम लोग ऐसा एक एटीट्यूड रखें, मतलब एक ऐसा एक व्यवहार रखें अपने मन में कि ये जो डिफरेंसेस है ये अच्छी चीज़ है, वी मस्ट अप्रिशिएट द डिफरेंसेस, अगर वो वाला अगर एटीट्यूड हमारे सबके अगर मन में अगर आ गया, तो बहुत सारे जो हरेसमेंट हो रहे हैं लड़कियों के प्रति, जो बहुत सारी एविल जो हो रहे हैं वो सारे बंद हो जाएंगे, पुट एन एंड ये सारे बंद हो जाएंगे। ओके, देन है इकोनॉमिक कंडीशन। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड द मेड एजुकेशन इन इंग्लिश, ये जो ब्रिटिश पीरियड पे ही ये इंग्लिश हम लोग ज़्यादा उसको थोड़ा ध्यान दिए, मतलब सारे स्कूल पे इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट हुआ। ए हाई प्रायोरिटी होपिंग इट वुड स्पीड मॉडर्नाइजेशन एंड रिड्यूस द एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। और ये जो इंग्लिश जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हमारे जो एजुकेशन पे जो इंग्लिश जो लाया गया है, ये इसी के लिए लाया गया है टू स्पीड आवर मॉडर्नाइजेशन। ये बहुत लोगों को मानना है कि अगर हम लोग इंग्लिश सीख लिए तो हम लोग मॉडर्न हो जाएंगे। सो टू स्पीड अप द मॉडर्नाइजेशन हम लोग इंग्लिश को अपने एजुकेशन पे लाए हैं। देन है मैक्यूले इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। मैक्यूले ही जो इंडिया पे इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किए थे। देन है द यूज ऑफ इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हैज़ बिन फेवर। और तभी से ही इंग्लिश को ही एक माध्यम बनाया गया है एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब आजकल बहुत सारे स्कूल पे इंग्लिश पे ही पढ़ाया जाता है, मतलब उसको ही एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। सो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, सिंस वी अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन 1947 आवर नेशनल लीडर अटैच इंपॉर्टेंस टू एजुकेशन। जब से हमारा इंडिपेंडेंट हो चुके हैं हम लोग, तब से हमारे जो नेशनल लीडर थे जो इंडिपेंडेंट होने में हमको बहुत ही हेल्प किए थे, वही लोग ये बोले कि एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और सभी को एजुकेशन देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई गरीब या कोई अमीर आदमी ही लेगा, ये सभी को देना चाहिए। इट शुड बी इन द ऑल द लेवल ऑफ द इंडियन सोसाइटी। ओके, ये सारे हमारे नेशनल लीडर ये बोले, उनको ये लगता है कि एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ह्यूमन लाइफ पे। अवर गवर्नमेंट अज्यूम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रॉपर एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड एडल्ट। गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्टेप ले भी चुके हैं और अभी भी ले रहे हैं ताकि सारे बच्चे को एक एजुकेशन मिले। और आजकल तो प्राइमरी जो एजुकेशन है, मतलब जो आपका जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, इज़ नाउ ए फंडामेंटल राइट इन इंडिया। मतलब ये सभी को मिलना चाहिए, प्राइमरी जो एजुकेशन है ये सभी को मिलना चाहिए। ओके, देन है एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस मेजोरिटी ऑफ द चिल्ड्रन वर डिप्राइव ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन। जब हमारा मतलब इंडिपेंडेंस का टाइम था, तब उतना एजुकेशन को लोग फोकस नहीं कर रहे थे और उस टाइम ऐसे बिना एजुकेशन का भी जिंदगी चल जाता था। पर उसके बाद लोगों को जब पता चला कि नहीं, एटलीस्ट एक प्राइमरी एजुकेशन के एक के पास होना चाहिए, तब से लोगों को मन में ये आ चुका है कि नहीं, एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन तो अपने बच्चों को दे। ओके, सिंस देन देखो ये वाला है इकोनॉमिक कंडीशन डायरेक्ट ह्यूमन एक्टिविटी एंड डिसीजन। जो हमारा जो इकोनॉमिक जो कंडीशन होता है वो एक ह्यूमन की एक्टिविटी और डिसीजन को भी डायरेक्ट करता है। जैसे आप कोई अमीर आदमी को देखोगे तो उसका डिसीजन, उसका एक्टिविटी थोड़ा दूसरा होता है एक मिडिल क्लास लेवल से। तो इकोनॉमिक कंडीशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ पे, क्योंकि यही ही हमारा जो एक्टिविटी है, एक ह्यूमन का जो एक्टिविटी है, एक ह्यूमन का जो डिसीजन है, उस पर डायरेक्ट करता है। ओके, दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी इंडिविजुअल डिसीजन डिफाइंड परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल अबाउट देमसेल्फ एंड अदर्स अराउंड देम। ये इकोनॉमिक कंडीशन भी है जो हमारा जो एक परसेप्शन होता है दुनिया को देखने का जो नज़रिया, ये हमको मतलब ये डिफरेंट कर देता है। जैसे अमीर लोगों का दुनिया देखने का एक नज़र अलग होता है, एक मिडिल क्लास लेवल का एक अलग होता है। तो इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैनी लाइफ डिसीजन लाइक एजुकेशन चॉइसेस, जॉब, मैरिज एंड फैमिली आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पे बहुत सारे डिसीजन भी लिए जाते हैं। जैसे जॉब, मतलब कोई अमीर घर का हो तो वो लोग जब अपनी बेटी को मैरिज करते हैं तो एक अच्छे वाले घर के साथ मैरिज करने के लिए कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी डिसीजन है, जैसे आपका मैरिज डिसीजन हो गया, कोई जॉब डिसीजन हो गया, तो वो हमारे इकोनॉमिक कंडीशन पे ही बेस करते हैं। ओके, देन है तो पहले ज़माने पे क्या होता है, लर्निंग इन एंशिएंट इंडिया इम्पार्टेड बाय टीचर्स कॉल्ड द गुरुस। पहले क्या होता था, जो मतलब उस टाइम तो उतना स्कूल टेक्नोलॉजी उतना तो डेवलप नहीं था। पहले ज़माने पे क्या था, गुरु एक थे जिनको मतलब अभी जिनको हम लोग टीचर कह रहे हैं, उस टाइम हम लोग गुरु कह रहे थे और वही हमको एजुकेशन दे रहे थे। टू द पीपल हु गैदर्ड अराउंड देम एंड केम टू लिव विद देम इन देयर हाउसेज एज मेंबर ऑफ द फैमिली। जैसे हम लोग अभी अपने स्कूल जाते हैं, फिर लंच खा के फिर मतलब वहीं पर अपना रिसेस करते हैं और फिर चले आते हैं 2 या 4 बजे। पहले ज़माने पे ऐसा नहीं होता था, मतलब लोग पूरा मतलब बच्चे लोगों को पूरा छोड़ देते थे और उनके जो बच्चे थे पूरा उनके टीचर के साथ रहते थे, उनके घर के एक फैमिली मेंबर की तरह रहते थे और उनके जो गुरुज थे वो उनको हर दिन पढ़ाते थे। पहले ज़माने पे ऐसा वाला सिस्टम था। ओके, और उसे हम लोग कहते हैं गुरुकुल। द गुरुकुल फंक्शन एज ए डोमेस्टिक स्कूल एंड आश्रम वेयर द चिल्ड्रंस लर्निंग वॉज डेवलप बाय द गुरु हु गेव पर्सनल इंस्ट्रक्शन एज वेल एज अटेंशन टू द स्टूडेंट सब्जेक्ट लाइक ग्रामर, लॉजिक, मेटाफिजिक्स, केम टू टॉट इन एंड स्टडी। तो पहले ज़माने में वो जो गुरुकुल था, जहाँ पे
एक गुरु थे और उनके जो शिष्य जो थे मतलब उस जो स्टूडेंट थे उनके घर पे रहते थे, और गुरु लोग बहुत सारा एजुकेशन देते थे। देखो उस टाइम जितना टेक्नोलॉजी था उसका सारा उनको नॉलेज देते थे। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, पर उस टाइम जितना भी एजुकेशन था, जितना भी मतलब न्यू टेक्नोलॉजी था, जितना लॉजिक था, ग्रामर था, वो सारा चीज़ बताते थे। और वो कौन बताते हैं? गुरुस। और उनके जो प्लेस को हम लोग कहते हैं गुरुकुल। ओके, देन है कि ड्यूरिंग द मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन पीरियड, जब ये मौर्यन और पोस्ट मौर्यन पीरियड आया तभी ही इंडियन सोसाइटी पे एक बहुत ही इंटेंसिव चेंज आया। मतलब उस टाइम से ही हम लोग मतलब वो जो आश्रम वाला जो कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया, हम लोगों का थोड़ा स्कूल कॉलेज पे वो चेंज हो गया, और बहुत सारे एजुकेशन पे भी चेंज आ गया। जैसे मतलब हम लोग क्या कि बिजनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस किए, मतलब हमको ये लगा कि बच्चों को बिजनेस का भी आइडिया होना चाहिए, वो कॉमर्स साइंस ये सारे सब्जेक्ट आ चुके, और दे बिकम सेंटर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। बहुत सारे टेक्निकल भी एजुकेशन हम लोग बच्चों को देना स्टार्ट कर दिए, जैसे माइनिंग, मेटलर्जी, कारपेंट्री, वेविंग एंड डाइंग। पहले ज़माने पे ये नहीं था क्योंकि गुरुस लोग थे, एक ही गुरु था, तो मतलब जितना हो सके उतना ही एजुकेशन देते थे। पर जो मौर्यन पीरियड या फिर पोस्ट मौर्यन पीरियड पे देखेंगे तो इंडियन सोसाइटी पे काफ़ी चेंजेस आ गए, और वहीं पे ज़्यादातर बिजनेस की पढ़ाई को ज़्यादा फोकस किया गया, और भी बहुत सारी टेक्निकल एजुकेशन को बहुत ही फोकस किया गया, जैसे माइनिंग, मेटलर्जी, कारपेंट्री। ओके, देन है इस्लामिक इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इंक्लूडेड टॉट ग्रामर, फिलोसॉफी, मैथमेटिक्स एंड लॉ, इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीक ट्रेडिशन। ये सारे किससे इन्फ्लुएंस हैं? ग्रीक ट्रेडिशन से, जो इस्लामिक इंस्टीट्यूशन वाले दे रहे थे। द मुगल्स अडॉप्टेड अ लिबरल अप्रोच टू साइंस। मुगल्स लोग ये अडॉप्ट किए कि नहीं, साइंस भी सबको सीखना चाहिए। ओके, देन है सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन इज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए नेशन एजुकेशन सिस्टम। तो देखो प्राइमरी एजुकेशन तो सबको आजकल पता चल चुका है कि एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन तो हम लोगों को अपने बच्चों को देना चाहिए, पर बहुत घर ऐसा भी है कि मतलब प्राइमरी एजुकेशन खत्म हो गया तो वो लोग सोचते हैं हाँ खत्म हो गया पढ़ाई, पर सेकेंडरी एजुकेशन भी आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। और गवर्नमेंट को ये भी पता चल चुका है कि सेकेंडरी एजुकेशन की बात जब आ जाती है तब लोग ये सोचते हैं कि नहीं, स्पेशली अगर जेंडर के बेसिस पर अगर देखोगे तो लड़कियों को तो ये सोचते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन हो गया तो बहुत बड़ी चीज़ है, सेकेंडरी एजुकेशन भी अगर नहीं देंगे तो तब भी काम चल जाएगा। इसीलिए आजकल ये सेंट्रल पॉइंट हो चुका है सेकेंडरी एजुकेशन, क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन भी एक बहुत अहम हिस्सा रोल प्ले करता है एक ह्यूमन की लाइफ में। विथ रिगार्ड टू द पैटर्न ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन एक्सपेरिमेंट हैव बीन गोइंग ऑन सिंस इंडिपेंडेंस। दैट 10+ जैसे आपका 12th हो जाता है, आपका ग्रेजुएशन हो जाता है, वहीं पे ये वाला चीज़ आपका कौन दिए थे? कोठारी कमीशन ऑफ 1965 इज नाउ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। यही ये जो कोठारी कमीशन, यही लोग ही ये जो हमारा जो 12th है, हमारा जो ग्रेजुएशन है, इसको हमारे इंडिया पे बोले थे कि नहीं ये भी पढ़ाना चाहिए, मतलब ये वाला डिग्री भी एक बच्चे के पास होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि ये सारा किसी एक पर्टिकुलर स्टेट या कोई पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी पे है, ये सारे आप दुनिया के कोई भी कोने पे चले जाओ सारी जगह पे ये है कि मतलब हायर सॉरी प्राइमरी एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, देन है हमारा हायर एजुकेशन। आपका जो हायर जो होता है वहीं पे हम लोग एक पर्टिकुलर स्किल पे हम लोग वहीं पे मास्टर करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं हायर एजुकेशन। और ये कहाँ से हम लोग सीखते हैं? कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी से हम लोग सीखते हैं। ओके, इट इज़ इम्पार्टेड थ्रू अबाउट 180 यूनिवर्सिटी एंड नियरली 4500 कॉलेजेस। इन एडिशन देयर आर सेवरल इंस्टीट्यूशन इम्पार्टिंग स्पेशल नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल। इन यूनिवर्सिटी के अलावा भी बहुत ऐसे स्पेशल इंस्टीट्यूशन हैं जो सिर्फ एक स्पेशल स्किल को ही सिखाते हैं। ओके, सिंस एजुकेशन इज ए स्टेट सब्जेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया आर फ्री टू ओपन न्यू यूनिवर्सिटी। ऐसे स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारे अपने अपने स्टेट पे बहुत सारे यूनिवर्सिटी को ओपन कर दे रहे हैं जिससे बच्चे हायर एजुकेशन को भी ले सकें। However, its formal sanction is not necessary to open a university. Taking advantages of this provision, many state government in India have opened a large number of university in recent year. Okay? Then है Mikey family is an important social institution that originated long back and serve as a means of existence all over the world. सभी के पास एक एक फैमिली है और ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है। मतलब यहीं से ही पहला हम लोग जो सोशल स्किल है हम लोग एक बच्चा यहीं से ही सीखता है। एक बच्चा अपने माँ बाप से ही पहले सीखता है कि एक सोसाइटी पे कैसे रहना है, कैसे किसको व्यवहार दिखाना है। तो फैमिली इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन। ए फैमिली वन लिव्स टुगेदर विद ऑल द फैमिली मेंबर अप टू द सेकंड जनरेशन लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट्स एंड द चिल्ड्रन इज कॉल्ड ए जॉइंट।
फैमिली। जॉइंट फैमिली का मतलब होता है जहाँ पे एक फैमिली पे हम उनके सेकंड जनरेशन भी होते हैं, मतलब उनके ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब दादा दादी, मामा मामी, जहाँ पे सबको ही रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं जॉइंट फैमिली। द इंपॉर्टेंस ऑफ जॉइंट फैमिली इज़ अंडरस्टूड बाय द इंडियंस, और ये इंडियन के फैमिली पे ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि इंडियन लोग ये सोचते हैं कि जॉइंट फैमिली एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और यहीं से एक बच्चे को अच्छा एक बिहेवियर, उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड निकलता है, मतलब एक बच्चे को बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है जब एक बच्चा जॉइंट फैमिली पर रहता है। बट वाइल यंग पीपल आर गोइंग एडवांस विद लाइफ स्टाइल, बट आजकल के जो यंग पीपल हैं वो बहुत ही एडवांस हो चुके हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि जॉइंट फैमिली पे रहना अच्छी बात नहीं है, मतलब थोड़े मतलब शर्मीलू टाइप के भी होते हैं कि नहीं उतना भीड़ भाड़ पर नहीं रहेंगे, तो वो लोग अपना एक न्यूक्लियर फैमिली बनाते हैं जहाँ पर उनका एक खुद का एक एस्टैब्लिशमेंट होता है। दिस पीपल आर यूजली मिस्ड अ लॉट ऑफ फन, केयरिंग एल्डर गाइडेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम, विच कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द फ्यूचर लाइक लोनलीनेस एंड फ्रस्ट्रेशन। जब हम लोग जॉइंट फैमिली पर रहते हैं तो वहीं पर बहुत सारा फन होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो बहुत सारा फन भी होता है, हम लोगों को अपने दादा दादी से केयरिंग भी मिलता है। पर हम लोग जब न्यूक्लियर फैमिली पर रह जाते हैं तो जो न्यूक्लियर फैमिली के जो लोग होते हैं उनके पास ये सारा फन, केयरिंग, एल्डर गाइडेंस, ये सारा कुछ उनको नहीं मिलता है, और जिसकी वजह से हम लोगों को एक लाइफ में एक लोनलीनेस लगता है, ऐसे लगता है कि हमारे लाइफ में तो कोई है ही नहीं, ऐसा लगता है, फ्रस्ट्रेशन भी बहुत बढ़ जाता है जो न्यूक्लियर फैमिली पे रहते हैं। ओके, देन है इन द जॉइंट फैमिली ऑल मेंबर आर इक्वली शेयरिंग ऑल एक्सपेंसेस, वर्क्स एंड अदर थिंग विद द अदर मेंबर ऑफ द फैमिली, सो द बर्डन ऑफ द वर्क विल नॉट फेल्ट बाय एनी सिंगल पर्सन। आप देखे भी होंगे जॉइंट फैमिली पे कुछ भी होता है तो सब कोई मिल बांट के काम करते हैं, सब कोई अपना अपना खर्चा उठा लेते हैं, तो एक के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है। सो ऑल चिल्ड्रेन गेट इक्वल शेयर ऑफ लव, केयर, गाइडेंस एंड एजुकेशन बाय द एल्डर ग्रैंड पेरेंट्स, सो दैट नेवर मिस एनीथिंग इन देयर होल लाइफ। जो जॉइंट फैमिली के जितने भी बच्चे होते हैं उनको सारा एक टाइप का लव, एक टाइप का केयर और गाइडेंस भी मिलता है। सिमिलरली दे कैन ऑल्सो ईजिली गेट हेल्प फ्रॉम देयर पेरेंट्स, स्मॉल चिल्ड्रन विल गेट टीचिंग गाइडेंस फ्रॉम देयर अंकल, आंट्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स। जो छोटे बच्चे जो होते हैं सिर्फ टीचर के सिवा उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके अंकल आंटी से भी बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। द शेयरिंग रिसोर्सेज विद द कजिन एंड सिस्टर हेल्प पेरेंट्स टू डिक्रीज द एक्सपेंसेस ऑन देयर चाइल्ड। और जब हम लोग जॉइंट फैमिली पे होते हैं तो मतलब और किसी का कुछ है तो हम लोग शेयर भी कर लेते हैं, तो पेरेंट्स का भी थोड़ा खर्चा थोड़ा कम हो जाता है, मतलब एक्सपेंसेस थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि हम लोग अपने कजिन के लोगों से भी थोड़ा मिल बांट के उनसे भी थोड़े कुछ कुछ ले लेते हैं, मतलब शेयरिंग कर लेते हैं। ऑन द ईव ऑफ बिग ओकेजन लाइक मैरिज, बर्थडे, एंगेजमेंट, एनिवर्सरी, द वर्क कैन ईजिली बी शेयर विद ऑल द मेंबर्स सो दैट द इवेंट विल बी सक्सेसफुल। दिस विल ब्रिंग डाउन द बर्डन ऑफ द पेरेंट्स। जब कोई बड़ा बड़ा जब ओकेजन होता है जैसे शादी वादी, एंगेजमेंट, बर्थडे, एनिवर्सरी, जब हम लोग जॉइंट फैमिली पर रहते हैं तब क्या होता है सब कोई थोड़ा थोड़ा काम कर लेते हैं, तो एक के ऊपर थोड़ा ज़्यादा काम नहीं पड़ता है। ओके, और उस इवेंट्स कैसे सक्सेसफुल हो सबका यही मन होता है। ओके, ये सारे जॉइंट फैमिली पे ही ज़्यादा देखा जाता है। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहीं पे कुछ ज़्यादा तो टर्म थी नहीं, बस आपको रेस समझना था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या है, परसिप्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या है, बस आपको इतना ही समझना था। और वहीं पे कुछ इकोनॉमिक कंडीशन भी थे कि कैसे एक इंडिविजुअल का इकोनॉमिक कंडीशन भी उसके डिसीजन और उसके बिहेवियर पे उनका बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है। फिर हम लोग ये पढ़े कि पहले ज़माने में गुरुज थे और आजकल बहुत सारे टेक्निकल एजुकेशन आ चुके हैं। फिर प्राइमरी एजुकेशन पढ़े, सेकेंडरी एजुकेशन पढ़े, थर्ड हायर एजुकेशन पढ़े, और लास्ट पे हम लोग जॉइंट फैमिली के बारे में थोड़ा पढ़े। ओके, सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।